माता लक्ष्मी इधर वैकुंठ लोक में बेचैन है और इधर उधर घूम रही है। उनके मुख पर चिंता की अनगिनत रेखाएं उभर आई हैं। माता लक्ष्मी के मन में बार बार एक विचार आ रहा है कि यदि भगवान विष्णु का वो श्राप सच बन गया तो ये समूचा विश्व भूतकाल में चला जाएगा। मनुष्य, वनस्पति, जंतु सभी का नाश हो जाएगा, क्योंकि भगवान विष्णु जगत के पालनहार हैं। और जब पालनहार पर कोई संकट आता है तो समूचा भूमंडल उससे अछूता नहीं रह सकता। माता लक्ष्मी बार बार अपने आप से ये प्रश्न करती है कि ये कैसी परीक्षा है नाथ, ये कैसी विपदा आन पड़ी है, क्या होगा इस भूमंडल का। माता लक्ष्मी का मन अंदर ही अंदर इतनी वेदना से भर जाता है कि वो भगवान विष्णु की आराधना करती है। ओम नमो नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। माता लक्ष्मी इस मंत्र का बार बार पाठ करती हैं। उधर भगवान विष्णु हयाग्रीव के साथ युद्ध के बीच में ही योग निद्रा में लीन है। माता लक्ष्मी के मंत्रोच्चारण की ध्वनि भगवान विष्णु तक पहुंच रही है और एकाएक निद्रा में लीन भगवान विष्णु के वक्षस्थल से मानो एक ऊर्जा उत्पन्न होती है और युद्ध स्थल से बड़ी तेज गति से वैकुंठ लोक में प्रवेश करती है और देखते ही देखते माता लक्ष्मी के समक्ष भगवान विष्णु के रूप में बदल जाती है। ये रूप भगवान विष्णु का मानस रूप होता है और उनके रूप से पूरे वैकुंठ में मानो अनगिनत तारों की रोशनी सी फैल जाती है। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी अपनी आंखें खोलिए। माता लक्ष्मी अपनी आराधना में खोई हुई है और भगवान विष्णु के वचन जब उनके कानों में पड़ते हैं तो एक मुस्कान की छटा उनकी आंखों से होठों तक जाती है और मुस्कुराते हुए वो अपनी आंखें खोलती हैं। भगवान विष्णु को अपने समक्ष देखकर माता लक्ष्मी के हर्ष की कोई सीमा नहीं रहती और वो तुरंत अपने स्थान से उठकर भगवान विष्णु के समीप आ जाती है और प्रणाम करते हुए बोलती है, हे नाथ आपके इस रूप को देखकर मेरा मन एवं आत्मा तृप्त हो गई है। लेकिन अचानक माता के मुखमंडल पर चिंता फिर लौट आती है और वो भगवान से पूछती है, हे प्रभु क्या आपकी कैसी लीला है, मेरा मन अत्यंत अशांत एवं व्याकुल है। ये जो भी घटित हो रहा है वो भयंकर है और भविष्य में इसका क्या परिणाम होगा ये विचार कर मेरा मन और भी विचलित हो रहा है। मेरी इस चिंता का कुछ तो निवारण करें प्रभु। माता लक्ष्मी के ये वचन सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे विष्णु प्रिय इस संसार के कल्याण के लिए कभी कभी जटिल निर्णय लेने अनिवार्य होते हैं। जैसे वृक्ष को जन्म देने के लिए बीज का फूटना अनिवार्य है, जो बीज स्वयं नष्ट होकर वृक्ष को जीवन देता है, उसी प्रकार इस संसार रूपी वृक्ष के जीवन और इस मानव जाति के कल्याण के लिए हमें भी कष्ट सहने होंगे, क्योंकि ये भूमंडल हमारा ही अंश है। जो भी घटित हो रहा है, जो भी घटित होगा वो मानव जाति के लिए एक उदाहरण होगा कि जीवन को सफल बनाने हेतु तो कुछ कष्ट सहना अनिवार्य है। सोना तभी चमकता है जब वो अग्नि में तपता है। भगवान विष्णु के वचन सुनकर माता लक्ष्मी मुस्कुराई और उनके मुख से चिंता की सभी रेखाएं गायब हो गईं और वो भगवान विष्णु से बोली, हे प्रभु ये सत्य वचन है और अब मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न मानव कल्याण का है। हे पालनकर्ता प्रभु आपकी ये सीख ही मानव जाति के उत्थान का एकमात्र आधार होगा। माता लक्ष्मी का ये वचन सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और देखते ही देखते पुनः ऊर्जा के रूप में तेज गति से युद्ध भूमि में निद्रा में लीन भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में समा जाते हैं। भगवान विष्णु को युद्ध भूमि में निद्रा में लीन देखकर इंद्र आदि सभी देवतागण आश्चर्यचकित और व्याकुल हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि भगवान विष्णु की इस क्रिया का क्या पर्याय है। देवता इंद्र और अन्य देवतागण दोनों हाथ जोड़कर भगवान ब्रह्मा के पास गए और कहने लगे, हे भगवान ये क्या अनर्थ हो रहा है, ऐसा न कभी सुना न कभी देखा, भगवान विष्णु युद्ध भूमि में योग निद्रा में लीन है। हे प्रभु किस प्रकार हयाग्रीव का अंत होगा, कब भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से उठेंगे, क्या होगा समस्त ब्रह्मांड का। यही विचार कर हम सब देवतागण व्याकुल हो रहे हैं। अतः भगवान ब्रह्मा जी आप ही कुछ उपाय सोचिए जिससे भगवान विष्णु अपनी निद्रा से जाग जाए। भगवान ब्रह्मा जी देवताओं से बोले, हे देवतागण आप लोग चिंता मत कीजिए और भगवान विष्णु पर विश्वास कीजिए। भगवान विष्णु निद्रा में अवश्य हैं, पर वो अभी भी समस्त भूमंडल के बारे में विचार कर रहे हैं। जगत के पालनहार के लिए ये समस्त संसार स्वयं का अंश है
और इसलिए वो इस संसार की सेवा और रक्षा हेतु हमेशा तत्पर है। अतः आप सभी देवतागण चिंतित न हो। भगवान ब्रह्मा हाथ जोड़कर मन ही मन भगवान विष्णु से बोलते हैं, हे जगदीश, अब आप ही कुछ बताएं कि आपको निद्रा से कैसे जगाया जा सके। हे प्रभु, आप तो समस्त पृथ्वी और उसमें निवास करने वाले जीव जंतु वनस्पति के पालन करता है। अतः हे भगवान, कृपया मुझे इस जगत के कल्याण हेतु मार्ग से अवगत कराएं। सहायता करें भगवान, सहायता करें। तभी भगवान विष्णु योग निद्रा से ही भगवान ब्रह्मा को मन ही मन बोलते हैं, हे ब्रह्मा जी, आप एक कीट को उत्पन्न कीजिए और उस कीट को मेरे धनुष बाण की प्रत्यंचा काटने का आदेश दीजिए। और ये कहकर भगवान विष्णु शांत हो जाते हैं। भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु से कहते हैं, जो प्रभु कहें। सारे देवता गणों का सब्र का बांध टूटने को है और सभी भगवान ब्रह्मा से फिर याचना करते हैं कि अब वही कोई मार्ग बतला सकते हैं। भगवान ब्रह्मा अपने नेत्र बंद करते हैं और भगवान विष्णु का आह्वान करते हुए एक कीट को उत्पन्न करते हैं। वो कीट भगवान ब्रह्मा को प्रणाम करता है और भगवान ब्रह्मा उस कीट को आदेश देते हैं कि उसे भगवान विष्णु के धनुष बाण की प्रत्यंचा को काटना है। और भगवान ब्रह्मा के आदेशानुसार वो कीट धनुष बाण की प्रत्यंचा को जैसे ही काटता है, वैसे ही प्रत्यंचा धनुष की लचक से खिंचती है और धनुष की टेक लिए हुए भगवान विष्णु की गर्दन पर तेजी से टकराती है और भगवान विष्णु का मस्तिष्क उनके धड़ से अलग हो जाता है और लुप्त हो जाता है। ये घटना देख समस्त देवी में अंधकार छा जाता है। मेघ गरजने लगते हैं। मानो तू अपना गुस्सा जता रहे हो। मेघों से दामिनी पृथ्वी पर आघात करती है। मानो वो भगवान विष्णु की इस अवस्था पर क्रोध दिखा रही हो। भारी वर्षा होने लगती है। मानो आकाश भी अपनी वेदना बता रहा हो। चारों ओर ये विपदा देख वैकुंठ लोक में माता लक्ष्मी व्याकुल हो जाती है और मन ही मन स्वयं से वार्तालाप करती है और कहती है, इसे क्या हो रहा है। मेघों का यूं गरजना, दामिनी का यूं चमकना और वृष्टि का होना साधारण नहीं है। अवश्य ही कुछ अनुचित घटित हुआ है। और तभी माता लक्ष्मी का ध्यान भगवान विष्णु और उस परीक्षा की ओर जाता है। माता लक्ष्मी व्याकुल से युद्ध भूमि की ओर जाती हैं और जब वो युद्ध भूमि पहुंचती हैं और भगवान विष्णु की ये अवस्था देखती हैं तो नारायण नारायण, आप सभी को मेरा वंदन। हम ऐसे ही शिवपुराण के बारे में जानते रहेंगे। शिवपुराण हमारे पापों का नाश करने वाला है, हमें संपूर्ण ज्ञान को देने वाला है। अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए और अपने हृदय को मजबूत करने के लिए, अपने धर्म को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। हम आपको ऐसे ही ज्ञान भरी वीडियो देते रहेंगे। आपको तहे दिल से मेरा वंदन और नारायण नारायण, ओम नमो नारायण। माता लक्ष्मी इधर वैकुंठ लोक में बेचैन है और इधर उधर घूम रही है। उनके मुख पर चिंता की अनगिनत रेखाएं उभर आई है। माता लक्ष्मी के मन में बार बार एक विचार आ रहा है कि यदि भगवान विष्णु का वो श्राप सच बन गया तो ये समूचा विश्व भूतकाल में चला जाएगा। मनुष्य वनस्पति जंतु सभी का नाश हो जाएगा, क्योंकि भगवान विष्णु जगत के पालनहार हैं। और जब पालनहार पर कोई संकट आता है तो समूचा भूमंडल उससे अछूता नहीं रह सकता। माता लक्ष्मी बार बार अपने आप से ये प्रश्न करती है कि ये कैसी परीक्षा है नाथ, ये कैसी विपदा पड़ी है, क्या होगा इस भूमंडल का। माता लक्ष्मी का मन अंदर ही अंदर इतनी वेदना से भर जाता है कि वो भगवान विष्णु की आराधना करती है। ओम नमो नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। माता लक्ष्मी इस मंत्र का बार बार पाठ करती है। उधर भगवान विष्णु हयाग्रीव के साथ युद्ध के बीच में ही योग निद्रा में लीन है। माता लक्ष्मी के मंत्रोच्चारण की ध्वनि भगवान विष्णु तक पहुंच रही है और एकाएक निद्रा में लीन भगवान विष्णु के वक्ष स्थल से मानो एक ऊर्जा उत्पन्न होती है और युद्ध स्थल से बड़ी तेज गति से वैकुंठ लोक में प्रवेश करती है और देखते ही देखते माता लक्ष्मी के समक्ष भगवान विष्णु के रूप में बदल जाती है। ये रूप भगवान विष्णु का मानस रूप होता है और उनके रूप से पूरे वैकुंठ में मानो अनगिनत तारों की रोशनी सी फैल जाती है। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, अपनी आंखें खोलिए। माता लक्ष्मी अपनी आराधना में खोई हुई हैं और भगवान विष्णु के वचन जब उनके कानों में पड़ते हैं तो एक मुस्कान की छटा उनकी आंखों से होठों तक जाती है और मुस्कुराते हुए वो अपनी आंखें खोलती हैं। भगवान विष्णु को अपने समक्ष देखकर
माता लक्ष्मी के हर्ष की कोई सीमा नहीं रहती और वो तुरंत अपने स्थान से उठकर भगवान विष्णु के समीप आ जाती हैं और प्रणाम करते हुए बोलती हैं, हे नाथ, आपके इस रूप को देखकर मेरा मन एवं आत्मा तृप्त हो गई है। लेकिन अचानक माता के मुखमंडल पर चिंता फिर लौट आती है और वो भगवान से पूछती है, हे प्रभु, ये आपकी कैसी लीला है? मेरा मन अत्यंत अशांत एवं व्याकुल है। ये जो भी घटित हो रहा है वो भयंकर है और भविष्य में इसका क्या परिणाम होगा ये विचार कर मेरा मन और भी विचलित हो रहा है। मेरी इस चिंता का कुछ तो निवारण करें प्रभु। माता लक्ष्मी के ये वचन सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे विष्णु प्रिय, इस संसार के कल्याण के लिए कभी कभी जटिल निर्णय लेने अनिवार्य होते हैं। जैसे वृक्ष को जन्म देने के लिए बीज का फूटना अनिवार्य है, जो बीज स्वयं नष्ट होकर वृक्ष को जीवन देता है, उसी प्रकार इस संसार रूपी वृक्ष के जीवन और इस मानव जाति के कल्याण के लिए हमें भी कष्ट सहने होंगे, क्योंकि ये भूमंडल हमारा ही अंश है। जो भी घटित हो रहा है, जो भी घटित होगा, वो मानव जाति के लिए एक उदाहरण होगा कि जीवन को सफल बनाने हेतु कुछ कष्ट सहना अनिवार्य है। सोना तभी चमकता है जब वो अग्नि में तपता है। भगवान विष्णु के वचन सुनकर माता लक्ष्मी मुस्कुराई और उनके मुख से चिंता की सभी रेखाएं गायब हो गईं और वो भगवान विष्णु से बोली, हे प्रभु, ये सत्य वचन है और अब मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न मानव कल्याण का है। हे पालनकर्ता प्रभु, आपकी ये सीख ही मानव जाति के उत्थान का एकमात्र आधार होगा। माता लक्ष्मी का ये वचन सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और देखते ही देखते पुनः ऊर्जा के रूप में तेज गति से युद्ध भूमि में निद्रा में लीन भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में समा जाते हैं।